नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कवरगा से आ रही है। झाड़ियों में मिला कपड़ा व्यापारी का अर्धनग्न शव। अर्धनग्न हालत में शव मिलने से सनसनी। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। पुलिस को दी गई मामले की सूचना। विनोद कौशिक के रूप में हुई है व्यापारी की पहचान। हत्या की जताई जा रही आशंका। नवीन बाजार के पीछे की वारदात। अर्धनग्न हालत में व्यापारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। कवरगा का यह पूरा मामला है, जहां पर झाड़ियों में कपड़ा व्यापारी का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ नगर में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब नीचे पारा के एक पेट्रोल पंप के पास अज्ञात महिला का शव देखा गया। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना 112 को दी, जिसके बाद पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची और शव को शिनाख्त करने में जुट गई। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। धरमजयगढ़ में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। वहीं पास में पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को पुलिस खंगाल रही है, ताकि मामले में कोई जानकारी सामने आ सके। वहीं मध्य प्रदेश के महासमुंद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कई जुआरियों के अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2,82,000 रुपए समेत कार बरामद की गई है। मध्य प्रदेश के महासमुंद का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान 4 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जुआरियों के कब्जे से पुलिस ने काफी पैसे और कार बरामद की है। 2,82,000 रुपए जुआरियों के कब्जे से पुलिस को मिले हैं और इसके साथ ही एक कार भी बरामद की है पुलिस ने। मध्य प्रदेश के महासमुंद की यह खबर है, जहां पर पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर छापेमारी की और इस दौरान 4 जुआरी गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के महासमुंद की यह खबर है, जहां पर पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर छापेमारी की और इस दौरान पुलिस के हत्थे 4 जुआरी चढ़े। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 2,82,000 रुपए बरामद किए हैं और इसके साथ ही एक कार भी बरामद की गई है। मध्य प्रदेश के महासमुंद की यह घटना है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर छापेमारी की, जहां पर जुआ खेलते हुए 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से पुलिस को नकदी भी बरामद हुई है। इसके साथ पुलिस ने एक कार भी बरामद किया है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जिसमें 4 शख्स पुलिस के गिरफ्त में खड़े दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही एक कार भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां भानपुरा जनपद पंचायत के जनपद अध्यक्ष विजय पाटीदार ने विधिवत शपथ लेकर अपना पदभार ग्रहण किया। जनपद अध्यक्ष के साथ जनपद उपाध्यक्ष और सभी जनपद सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। इस दौरान जनपद अध्यक्ष विजय पाटीदार ने बताया कि जनता ने उनके ऊपर भरोसा करके उन्हें चुना है। क्षेत्र में विकास के कार्य वो करेंगे और क्षेत्र के लोगों
को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वे अग्रसर रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस समर्थित है और बहुमत भी कांग्रेस का है। वही शपथ समारोह कार्यक्रम में बीजेपी विधायक देवीलाल धाकड़ भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मंदसौर की एक खबर है जहां पर जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और दूसरे जनपद पंचायत के सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया, जिसके बाद जो अध्यक्ष बने हैं विजय पाटीदार, उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाने में वो काफी अग्रणी भूमिका निभाएंगे और लोगों की तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहेंगे। मध्य प्रदेश में हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके बाद जिला पंचायत के सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ और उसी समय जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं मंदसौर जिले के, उनको शपथ दिलाई गई, उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई गई। विजय पाटीदार ने अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण किया, अध्यक्ष पद विजय पाटीदार को मिला है। उनके साथ में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ने भी शपथ ली और जिला पंचायत के जो दूसरे सदस्य हैं उन्होंने भी शपथ ग्रहण किया। सबसे पहले तो जो जनपद में जो भ्रष्टाचार हुआ है मनरेगा में, उसके खिलाफ सबसे पहले हम एक्शन लेंगे और उसके बाद में जो जनहितैषी कार्य रहेंगे उसको जनता तक पहुंचाएंगे और हर वर्ग गरीब जनता के हर वर्ग तक उसको पहुंचाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर के नक्सल प्रभावित इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्कूली बच्चे पानी के तेज बहाव में नदी पार करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अंतागढ़ क्षेत्र के सरकंडी नदी का है, जहां रोज स्कूली बच्चे और शिक्षक अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर का ये वीडियो है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से बच्चे नदी पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने के लिए नदी पार कर रहे हैं और साफ तौर पर वीडियो में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बच्चे नदी के एक छोर से दूसरी छोर की तरफ, एक किनारे से दूसरे किनारे को पानी के बीच से होते हुए पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बच्चे नदी में उतरकर नदी को पार करके स्कूल जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि बच्चों का ये रोज का काम है, जो शिक्षक हैं वो भी नदी पार करके स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, जो काफी जोखिम भरा है। अगर नदी में पानी ज्यादा हो तो बच्चों के डूबने का भी खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके कांकेर का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बच्चे नदी के बीच से होते हुए नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हैं। नदी को पैदल ही बच्चों ने पार किया है और यह सरकंडा नदी बताई जा रही है जिससे बच्चे गुजर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक के ग्राम खैर झीठी नया में समिति प्रबंधक के द्वारा किसानों की लगभग 17 लाख रुपए की राशि को गबन करने का पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लोन के जरिए ली गई राशि को किसानों के द्वारा जमा करने के बावजूद किसानों के खातों में रकम को जमा नहीं किया गया, जिससे नाराज किसानों ने पंडरिया SDM कार्यालय पहुंचकर प्रबंधक कर पर कार्रवाई की मांग की और इसको लेकर लिखित शिकायत भी दी। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी ने बताया कि खैर झीठी नया में
सहकारी समिति के लगभग 45 किसानों ने अपना बकाया लोन लगभग 17 लाख रुपए तत्कालीन समिति प्रबंधक शत्रुघ्न चंद्राकर के पास जमा कराया था, लेकिन किसानों को समिति प्रबंधक के द्वारा रसीद नहीं दी गई थी। और जब किसान खाद के लिए समिति पहुंचे तब पता चला कि किसानों के द्वारा जमा की गई राशि उनके खातों में जमा नहीं की गई है। आक्रोशित किसानों ने पंडरिया के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लिखित में शिकायत कर जल्द से जल्द समिति प्रबंधक पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो कवर्गा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सहकारी बैंक के समिति प्रबंधक पर गबन के आरोप लगे हैं और मामले में किसानों ने एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि उन्होंने लोन लिया था और उसके लगभग 17 लाख रुपए उन्होंने समिति के प्रबंधक को दिया, लेकिन समिति प्रबंधक ने जो पैसे किसानों ने दिए थे उसका कोई रसीद उन्हें नहीं दिया और ना ही उन पैसों को किसानों के खातों में जमा किया, जिसके बाद किसान जब खाद लेने के लिए सहकारी समिति के पास गए तब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि जो लोन के पैसे किसानों ने वापस किए हैं उन पैसों को किसानों के खातों में जमा नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसानों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है और जो तत्कालीन प्रबंधक थे सहकारी समिति के उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कवर्गा की यह खबर है, जहां पर सहकारी समिति के प्रबंधक पर गबन के आरोप लगे हैं। वो सब के किसान के पैसा ला खा ले है, वहाँ बैंक में जमा नहीं करे है और केसीसी लिख दे पास हुई इसे के अभी तक के गुमराह में डाल के मतलब हमारे केसीसी नहीं देते और यहाँ तक हमने एसडीएम कलेक्टर थाना सब में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं और बाद दोबारा हमने दे एसडीएम साहब आओ आके जनपद में इतला दे दें तब का ही कार्रवाई तेल हो जाना है। अब आगे हम पूरी समस्या पूरा पड़े किसान मिले। आज हमारे कवर्धा जिले में माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जनपद स्तर पर जन चौपाल का पहला दिन है और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ लगभग 40 से 50 किसान जो सेवा सहकारी समिति खैरझिटी के हैं, ब्लॉक पंडरिया के हैं, वो अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर माननीय एसडीएम महोदय को अभी ज्ञापन दिए हैं। किसानों का दुख कहूँ या तकलीफ कहूँ पता नहीं क्या कहूँ, इनकी जो जमा पूंजी थी लगभग 17 लाख रुपए, सभी किसानों के यदि जोड़े तो 17 लाख रुपए वहां के तत्कालीन समिति प्रबंधक के द्वारा किसानों से तो जमा करा लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल ना कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी, आज ही संपर्क करें। Download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Dana, download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kids se. Punjab hai Jasprit ka thikana. Mumbai hai Adarsh ka aashiyana. Kerala ka Govindan niwasi. कोलकाता में जन्मे है काशी, हर हिंदुस्तानी की शान, एआरबी बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर
आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी, आज ही संपर्क करें। जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। जब रेवाड़ी में बाहर निकलते हैं तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ पर रेवाड़ी में कमी है जिसे आप ही पूरी कर पाए? कहीं भी अगर कोई समस्या मुझे नजर आती है, कहीं पे वाटर लॉगिंग हो रही है, या फिर कहीं पे कचरा जमा हुआ है, या कहीं पे जो कुछ गलत चीजें हो रही है, तो वो तुरंत नोटिस में लाई जाती है संबंधित डिपार्टमेंट। 5 साल का सफर आपका है ये, तो किस तरह का सफर रहा आपका, किस तरह की जर्नी रही अब तक? सबसे पहले 2017 में सिलेक्शन के बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, मसूरी में ट्रेनिंग होती है जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ को इनबिल्ट करने के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके बाद में हमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी होती है जो कि मेरी हिसार हरियाणा में हुई है। तो मैंने एज SDM गन्नौर पानीपत, और उसके बाद में एज ADC हिसार, और फिर अभी एज ADC रेवाड़ी मैंने सर्व कर रहा हूँ। आपका अवसर में मिलिए रेवाड़ी के ADC स्वप्निल रविंद्र पाटिल से कंचन बैनर्जी के साथ शनिवार रात 8:30 बजे, रविवार दोपहर 3:30 बजे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी, हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम तनौद में प्राइमरी स्कूल में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता बहुत खराब दी जा रही है, जिसको लेकर पत्रकार ने जब इस खबर को दिखाने का प्रयास किया तो स्कूल में तैनात शराबी टीचर ने पत्रकार से परमिशन की कॉपी मांगी, और जब अंदर जाने के निर्देश दिए तो भोजन में शिक्षक और शिक्षिका के द्वारा घोर लापरवाही। शराबी शिक्षक ने पत्रकार से के साथ बदसलूकी भी की। जांजगीर चांपा की एक खबर है जहां पर बच्चों को जो मिड डे मील दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, और इस खबर को लेकर जब पत्रकार ने खबर दिखाने की कोशिश की तो स्कूल में तैनात शिक्षक ने पत्रकार से बदसलूकी की। जांजगीर चांपा की एक खबर है जहां से शिक्षक ने पत्रकार से बदसलूकी किया, वो भी उस खबर को दिखाने पर जिसमें बच्चों के मिड डे मील से जुड़ी ये खबर है, और बच्चों का को जो मिड डे मील दिया जा रहा है उसका स्तर काफी खराब है। बच्चों को खराब भोजन मिड डे मील में दिया जा रहा है, और जब खबर दिखाने के लिए पत्रकार स्कूल में पहुंचे तो वहां शिक्षक ने पत्रकारों से बदसलूकी की, और यहां तक कि शिक्षक पर शराब पीने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जनवरी में मैं आप लोगों ने बता देना चाहता हूं, मैं तनाव के शासकीय स्कूल में हूं और यह प्राइमरी स्कूल है, और यहाँ के शिक्षक मन ला जब हम जानकारी जुटाए बार आए रहे हैं, तो यहाँ के शिक्षक मन के कहना है कि पत्रकार अभी परमिशन नहीं लगी है, तो हम नया नियम सुना था और कहाँ ले नियम लागू हुए हैं, तो संबंध में यहाँ के जो BO है ओकर पर अभी पूछबो, और यहाँ के DO मैडम है ओकरों पर अभी जानकारी जुटाबो, आखिर परमिशन पत्रकार ला आखिर कहाँ ले मिली, सच्चाई ला अर्थव्यवस्था ला मध्यान्ह भोजन के संबंध में हम जानकारी ले जुटाए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो शिक्षक और शिक्षिका है ओकर द्वारा हमारा बोले जी से कि परमिशन लेके आवा,
अर्थव्यवस्था और यहाँ के अनुमता ला दिखाए बार हम बाहरी से आए रहे हैं और दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षक के लोगन मन को कहना है कि परमिशन लेके आवा। अब पत्रकार ला परमिशन कहाँ ले लगी, पहला हमन और उच्च अधिकारी करा पूछबो और जिला के कलेक्टर करा भी पूछबो, आखिर यहाँ के अर्थव्यवस्था और बच्चा मन कौन प्रकार के पढ़त हवे ओला देखाए बा, आखिर हमन ला काटर से परमिशन ले लगी, ऐसे कौन से नियम लागू हो गए और स्कूल में ऐसे का कुछ हवे। जिला हम सब चल अभी खाना चाहते हैं तो यहाँ के जो गुरु जी है और मैडम है वह हम हैगी होगी, तो संबंध हम उच्च अधिकारी करा एकर जानकारी लगी का। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसूताओं के लिए जननी एक्सप्रेस से लेकर प्रसव कराने तक के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन इन योजनाओं का फायदा आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला भिंड जिले के जिला अस्पताल परिसर गेट के बाहर का है, जहां कीरतपुरा के प्रसव पीड़ा के दौरान आई नारायणी देवी को परिजन किराए के वाहन से लेकर आए, लेकिन देरी होने की वजह से उनका प्रसव जिला गेट के बाहर खुले परिसर में ही हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि प्रसव पीड़ा के दौरान देरी होने की वजह से ही खुले में प्रसव हुआ। वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी ने कहा कि जन स्वास्थ्य प्रबंधन की लापरवाही का यह पूरा मामला नहीं है, पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले का यह मामला सामने आया है, जहां पर अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक महिला का प्रसव जिला अस्पताल के गेट के बाहर ही हो गया। ये जिला अस्पताल का रूल बन गया है कि पहले भी एक प्रसव ऐसे ही रोड पे हुआ था अस्पताल गेट पे, आज भी हो गया नारायणी देवी कीरतपुरा का। आप देखते हैं अस्पताल का प्रशासन है बिल्कुल नाकार रहा है, 108 सेवा बुरी तरीके से फैल है, केवल लोग फोन करते हैं ना समय पहुंचे कुछ है। लोग अपनी इच्छा से जब आते हैं अपने वाहन से तो उनका प्रसव हो जाता है, और अस्पताल का प्रशासन इतना लेट अदीप करता है लोगों को कि उनको सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही हैं। जो आया है केस, ये नारायणी देवी 28 साल की उम्र है इनकी, इनका दूसरा बच्चा था, कीरतपुरा की रहने वाली है। ये अपनी गाड़ी से अस्पताल में आई थी, इनको दर्द हो रहे थे बहुत तेज, जैसे ही अस्पताल के गेट अंदर तक आने को हुई तो वहीं पे गाड़ी में दर्द तेज चालू हो गए, तो उन्होंने फ़ोन किया तो हमारी सिस्टर दौड़ के गई और गाड़ी से उतारते समय उनको स्टेशन पर डिलीवरी हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के कोरबा में ब्यूटी एकेडमी की ओर से शाइन ऑफ फैशन शो सीजी ब्यूटी बिजनेस अवार्ड आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड सेलिब्रिटी रितु शिवपुरी और एलेना टुटेजा शामिल हुई, जिसने मिस शाइन और छत्तीसगढ़ का खिताब जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर ब्लॉक की मिस सुनीता वैभव ने पहला स्थान हासिल कर अपने गांव के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर पा रही हूँ। मैं साइन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 की विजेता रही हूँ मॉर्निंग फैशन शो में जो कोरबा में किया गया। वहाँ मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा, अपनी परिवार को, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट दिया हर चीज़ में, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे किसी भी रूप में हो। जो मेरे मम्मी पापा आज तक मेरे को इतना सपोर्ट किए हैं, शायद उन्हीं की वजह से मैं आज जो भी हूँ वही हूँ। तो मेरे को बहुत प्राउड है कि मैं उनकी बेटी हूँ, ऐसा परिवार मुझे मिला है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के अंतर्गत लेंद्रा इकाई की ओर से महिला जागृति और स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए महिलाओं को स्तनपान कराने से होने वाले स्वास्थ्यगत लाभ की जानकारी दी गई और उचित पोषण आहार और स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया और उन्हें जागरूक किया गया। आज लेंद्रा में स्तनपान दिवस आंगनबाड़ी की जितकी भी मैडम है तिमन के द्वारा मनाए जाते, खबर की 1 तारीख से 7 दिवसीय स्तनपान वजन के आज कार्यक्रम रखी हैं, ताकि हमार जो जनता महिला हैं उमल्ला जागरूक करना है ये कार्यक्रम के माध्यम से।
वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के परलकोट क्षेत्र को धान का कटोरा भी कहा जाता है, लेकिन यहां एक दुकानदार के द्वारा किसानों को नकली डीएपी खाद बेचकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। नकली खाद की वजह से अब किसानों की धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। खाद की जांच करने पर उसे नकली पाया गया। आरोपी दुकानदार का नाम नीलकंठ विश्वास बताया जा रहा है। दुकानदार ने क्षेत्र में कई हजार बोरी खाद किसानों के पास बेचा है। नकली खाद की वजह से परेशान किसान ने आरोपी दुकानदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। खाद का विषय में यहाँ का जो हमारे किसान भाई लोग हैं, तो मुझे जानकारी दिया गया कि जो खाद में हम लोग धान लगाया हूँ, वो धान जैसे कि वैसे पड़ा है। जब उसको हम लोग सब मिल के गाँव वाले मिल के जब उसको चार्ज किया हूँ, तो खाद डुप्लीकेट दिखा। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र में कलयुगी मां ने पैसों की लालच में बेटी को विधवा कर दिया। जानकारी के अनुसार पैसों की लालच में मां ने बेटी का घर उजाड़ दिया। मां ने दो बेटों के साथ मिलकर सास ने जमाई की और मौत के घाट उतार दिया। कलयुगी मां ने बेटी की दूसरी शादी करवाकर पैसे वसूलना चाहती थी। मामला भानपुरा थाना क्षेत्र का है। टीआई अवनीश श्रीवास्तव ने बताया कि 19 जुलाई को कोटड़ी टैंक गांव के पास निकट झाड़ियों में एक व्यक्ति की नरकंकाल मिली थी, जिसमें मृतक की पहचान सूरजमल के रूप में हुई थी। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। फिलहाल पुलिस ने घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी 19 जुलाई को कि कोटड़ी टैंक से कोटड़ी चौराहे के बीच के जंगल में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। जब हम पहुंचे वहां तो वहां पाया कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़ी हुई अवस्था में वहां पड़ा हुआ था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।